हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दशहरा के बाद आप लोग का स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में। आज हम लोग मैथ शुरू किए हैं। मैथ में ट्रायंगल का कुछ पोर्शन हो गया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो जो हो गया वो बाद में फिर पढ़ाया जाएगा तो रिकॉर्ड होगा। फिलहाल अभी ट्रायंगल में कुछ पोर्शन यहाँ पे बात हो चुका है, लगभग 6 थ्योरम हो गया ना। तो आज सबका एक बार रिविजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे 3 थ्योरम और बचा हुआ है, बस अगर समय मिलता है तो आज ही सब कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम नंबर 1 क्या था? थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन बीच में पैरेलल है, तो फिर इसका इसका और इसका इसका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर इसका नाम है ए बी सी डी ई, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी होगा। ये थ्योरम कहता है थ्योरम नंबर 1 में। अब थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये है कि अगर दिया हुआ है कि पैरेलल सॉरी अगर दिया हुआ है कि ये रेशियो बराबर है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या रहा होगा आपस में? डी और बी सी पैरेलल पैरेलल रहा होगा, ये कन्वर्स है। तीसरा में क्या था? तीसरा में था एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। इसमें क्या था कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये इसका और इसका रेशियो, सिमिलरली इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा आपस में? सेम होगा। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। चौथा क्या था? साइड 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 सिमिलरिटी। चौथा में क्या करना था? करना ये था कि इसमें दिया हुआ था कि दो ट्रायंगल का इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर दिया हुआ था। इसका मतलब कि बाकी का जो तीन एंगल है वो भी आपस में बराबर होगा ही होगा, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलरिटी पर रहे ना। उसके बाद है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या था? साइड एंगल साइड में था कि अगर दो ट्रायंगल का इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर दिया हुआ है और एक एंगल बीच का बराबर दिया हुआ है, तो भी बाकी का जो चीज नहीं भी दिया हुआ है, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर नहीं दिया हुआ है वो होगा, ये इसके बराबर नहीं दिया हुआ था लेकिन होगा, और ये इसका और इसका रेशियो बराबर नहीं दिया हुआ था लेकिन ये रेशियो भी बराबर होगा। यानी कि कोई तीन चीज दे दे, बाकी का तीन चीज बराबर होगा। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ये 5 थ्योरम। और छठा में था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें फिर 90 डिग्री यहाँ से खींचा जाए, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। सिमिलरली ये ट्रायंगल पूरा के सिमिलर होगा। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी पूरा के सिमिलर होगा। ये 6 नंबर थ्योरम तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आगे जो है 7 नंबर थ्योरम है, इसको मिटाने के बाद देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दशहरा के बाद आप लोग का स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में। आज हम लोग मैथ शुरू किए हैं। मैथ में ट्रायंगल का कुछ पोर्शन हो गया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो जो हो गया वो बाद में फिर पढ़ाया जाएगा तो रिकॉर्ड होगा। फिलहाल अभी ट्रायंगल में कुछ पोर्शन यहाँ पे बात हो चुका है, लगभग 6 थ्योरम हो गया ना। तो आज सबका एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे 3 थ्योरम और बचा हुआ है, बस अगर समय मिलता है तो आज ही सब कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम नंबर 1 क्या था? थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन बीच में पैरेलल है, तो फिर इसका इसका और इसका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर इसका नाम है ए बी सी डी ई, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी होगा। ये थ्योरम कहता है थ्योरम नंबर 1 में। अब थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये है कि अगर दिया हुआ है कि पैरेलल सॉरी अगर दिया हुआ है कि ये रेशियो बराबर है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या रहा होगा आपस में? डी और बी सी पैरेलल रहा होगा, ये कन्वर्स है। तीसरा में क्या था? तीसरा में था एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। इसमें क्या था कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये इसका और इसका रेशियो, सिमिलरली इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा आपस में? सेम होगा। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। चौथा क्या था? साइड 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 सिमिलरिटी। चौथा में क्या करना था? करना ये था कि इसमें दिया हुआ था कि दो ट्रायंगल का इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर दिया हुआ था। इसका मतलब कि बाकी का जो तीन एंगल है वो भी आपस में बराबर होगा ही होगा, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलरिटी पर रहे ना। उसके बाद है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या था? साइड एंगल साइड में था कि अगर दो ट्रायंगल का
इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर दिया हुआ है और एक एंगल बीच का बराबर दिया हुआ है, तो भी बाकी का जो चीज नहीं भी दिया हुआ है, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर नहीं दिया हुआ है वो होगा, ये इसके बराबर नहीं दिया हुआ था लेकिन होगा, और ये इसका और इसका रेशियो बराबर नहीं दिया हुआ था लेकिन ये रेशियो भी बराबर होगा। यानी कि कोई तीन चीज दे दे, बाकी का तीन चीज बराबर होगा। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। ये पांच थ्योरम, और छठा में था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें फिर 90 डिग्री यहाँ से खींचा जाए तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, सिमिलरली ये ट्रायंगल पूरा के सिमिलर होगा, सिमिलरली ये ट्रायंगल भी पूरा के सिमिलर होगा। ये 6 नंबर थ्योरम तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आगे जो है 7 नंबर थ्योरम है, इसको मिटाने के बाद देखते हैं। अब हम लोग 7 नंबर थ्योरम देखने वाले हैं जो हम लोग को पढ़ना भी है इस बार सिलेबस में। अब देखिए बात यह है कुछ ऐसा कि प्रूफ जो है सिर्फ दो दो थ्योरम का पूछता था पहले, यानी कि पिछले साल तक, या अभी इस बार ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। पहला है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का प्रूफ काफी डिटेल में बताए थे, तीनों बेस से अलग अलग ट्राइंगल लिए थे फिर उसे प्रूफ किए थे। उसके बाद फिर जो दूसरा प्रूफ डायरेक्ट पूछता है वो है थ्योरम नंबर 8, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। उसके बीच में जितना का ये प्रूफ दिए हैं वो सिर्फ समझने के लिए दिए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएगा उसके लिए दिए हैं, बाकी उसका कुछ खास काम नहीं है। थ्योरम नंबर 7 जो है वो स्क्वायर के बारे में है, यानी कि एरिया जो ऑफ ट्राइंगल होता है वो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। खैर ये समझ में अभी नहीं आया होगा, इसका प्रूफ जो है ये अभी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास अब एग्जाम का डेट निकल गया है, तो याद रखना जरूरी है, अगर जरूरत पड़े तो पहले एक बार सिलेबस खत्म करके उसके बाद प्रूफ देंगे, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 जो मतलब 8 का तो प्रूफ देना ही है, वो तो पाइथागोरस का तो देना ही है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन 7 में हम समय बचा सकते हैं। 7 नंबर जो थ्योरम है इसमें लिख लो रिलेशन, हेडिंग है इसका रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेशियो। 7 नंबर थ्योरम जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड रेशियो ऑफ साइड्स। इसका प्रूफ हम लोग बेसिकली ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पे, वैसे भी पिछले साल इससे इसको सिलेबस से ही हटा दिया था, इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार अगर पूछा भी तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा, मतलब फार्मूला टाइप का डायरेक्ट उसमें पुट करो बन जाएगा, मतलब फार्मूला क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। कह रहा है कि दो ट्रायंगल, नाम क्या देते थे हर बार तो वही नाम देते थे, एक का देते थे ABC और दूसरा का देते थे DEF, यही था। अगर नेक्स्ट कोई पॉइंट आता था तो फिर GH देते थे, लेकिन अभी तो आया नहीं। पहला है ABC, दूसरा है DEF। कह रहा है कि इस दोनों का अगर एरिया का रेशियो निकालना हो, एरिया मतलब समझता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर वो एरिया का रेशियो निकालना हो तो मतलब कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब एरिया का रेशियो निकालना हो, पहले अभी तक हम लोग किसका रेशियो निकालते थे, साइड का, अब किसका रेशियो निकालना है, एरिया का। एक ही फॉर्मूला है एरिया पे, और या कहो एक ही थ्योरम है एरिया पे, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, कन्फ्यूजन का भी बात नहीं है, एक ही है ही, तो दिक्कत क्या है फिर। वो जो होता है अगर साइड का रेशियो पहले बात करते थे तो साइड के रेशियो के बराबर होता था, यानी कि AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू होता था AC डिवाइडेड बाई DF, मतलब साइड का रेशियो आपस में होता था बराबर। लेकिन यहाँ क्योंकि साइड का रेशियो नहीं है, यहाँ एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं, तो ध्यान देना, यही मेन पॉइंट है, बस यही बात खत्म हो जाएगा, एक सेंटेंस का लाइन है। कहता है कि AB डिवाइडेड बाई DE तो होगा ही होगा, यहाँ तक सही है, यानी कि ये डिवाइडेड बाई ये तो होगा ही होगा, लेकिन उसका स्क्वायर होगा। सिमिलरली AC डिवाइडेड बाई DEF तो होगा ही होगा लेकिन उसका स्क्वायर होगा। सिमिलरली BC डिवाइडेड बाई EF तो होगा ही होगा लेकिन उसका स्क्वायर होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि साइड के रेशियो के बराबर होता था, लेकिन एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। दोनों एरिया का जो रेशियो, समझना कुछ खास नहीं है इसमें, इसको रिकॉल करो, ध्यान में रखो, भूलना नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा समझने का कुछ काम नहीं है। एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे हो जाएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, कराएंगे क्या अभी देखो। मान लो कि ये दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया का रेशियो नहीं पता है, मान लो इसका दिया हुआ 64 दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 64 दे रखा है, इसका एरिया जो है वो नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है कि ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका एरिया का रेशियो और इसका एरिया कैसे निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है DEF इज इक्वल टू, कोई भी दो साइड लेते हैं सामने वाला, ऐसा नहीं कि इधर का ये वाला ले लेना है, इसका ये वाला ले लेना, ऐसा नहीं करना, अगर इसका ये वाला लेंगे तो इसका भी यही वाला लेंगे ना,
यानी कि अगर इसका लेते हैं हम ए बी, तो इसका कौन सा लेंगे? लेकिन ये नहीं लेकर इसका क्या लेना है? स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी दे रखा है, कितना दे रखा है? 64। इसका एरिया नहीं दे रखा है, इसको एक्स मान लेते हैं। ए बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 8। डी भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 10। इसका स्क्वायर करना है। तो अच्छा ये तो वीडियो पे है ही, लिख लेना अपना वहां जा करके, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो थोड़ा पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो 64 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर 100, सही है। तो x हमको निकालना है, तो x को इधर ले जाना होगा। उसके पहले अगर तुम ध्यान दो तो 64 यहां भी है और 64 यहां भी है, दोनों आपस में कट जाएगा। तो कटा इसका मतलब जीरो बचा कि वन? कुछ नहीं बचा। हाँ तो जीरो की वन, वही तो पूछ रहा है। वन वन ना, जब कटने वाला बात होता है तो वन बचता है, जब घटाने वाला बात होता है तो जीरो बचता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ वन बचा और ये हंड्रेड उधर जाएगा, तो वन इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ वन बचा, वन ये एक्स उधर जाएगा, तो वन इंटू एक्स कितना होगा? एक्स, यानी एक्स कितना के बराबर आ गया? 100। इसका एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ मैसेज दे रखा होगा ना, तो इसका भी क्या होगा? तो क्वेश्चन काफी आसान पूछेगा इससे, मतलब कुल मिलाकर के तुमको दो को कोई भी साइड दे देगा और एक कोई एक एरिया दे देगा। चार वैल्यू है ना यहाँ पे, दो वैल्यू इसका, दो वैल्यू इसका, चार में से कोई तीन देगा तो चौथा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 8, और इसका प्रूफ जो है वो काफी जरूरी है, और पाइथागोरस थ्योरम काफी फेमस, बचपन से पढ़ते आया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, लेकिन आज तक तुम पूछा ना टीचर से, ना टीचर तुमको बताया कि स्क्वायर कैसे बराबर हो गया। आज तुमको उसका रीजन मिल जाएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आखिर कैसे। चलो इसके बाद देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम था हम लोग का थेस थ्योरम, उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो है ना बचपन से हम लोग फॉर्मूला बस पढ़ते आ रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आज इसका प्रूफ मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे पी कौन सा है? ए बी, पी तो ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन सा है? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि हम लोग को यही प्रूफ करना है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब अगर याद हो तो थ्योरम नंबर 6 में क्या कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल है जो ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसमें एक परपेंडिकुलर बना देते हैं तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो जाता है। अभी जस्ट रिविजन भी कराए थे थोड़ी देर पहले। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं किस में? प्रूफ में। गिवेन उवेन तो सब दिख रहा है, उतना लिख लेना। प्रूफ में क्या है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोग को, हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6, यानी या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कौन सा थ्योरम से? फ्रॉम थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, जैसा कि हम लोग थ्योरम नंबर 6 से जानते हैं कि अगर कोई एक परपेंडिकुलर है, उसके अंदर कोई और दूसरा अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हाइपोटेनस से खींचा जाए, तो इसका दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में भी सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल बड़ा वाला से सिमिलर भी होगा और ये वाला भी बड़ा से सिमिलर होगा। यानी कि पहले हम बात करते हैं कि हमको चाहिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे हमको चाहिए ए बी स्क्वायर और एक तरह से चाहिए बी सी स्क्वायर, यानी कि हमको इसका स्क्वायर चाहिए और हमको इसका स्क्वायर चाहिए। यानी कि हमको इसका स्क्वायर तभी मिल सकता है जब हम ये दो बार लेंगे। तो ये कौन से ट्रायंगल में है? एक तो इस ट्रायंगल में है और दूसरा कौन से ट्रायंगल में है? पहले तो ट्रायंगल ए डी बी में है और दूसरा कौन से ट्रायंगल में है? ए बी सी में भी है, लेकिन ये अभी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। अगर हमको सिमिलर देखना होगा तो ऑर्डर में लिखना होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम पहले ए डी ले लिए हैं यहाँ पे, यानी कि हम पहले बेस ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा लिए हैं? सही है, यहाँ पे भी बेस लिए, ओके, यहाँ ए डी बेस लिए, यहाँ पे भी हम इधर से ही ट्रायंगल मानते हैं, हम इधर से ही ट्रायंगल शुरू कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर इधर से हम देख रहे हैं तो, यानी कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से देख रहे हैं, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसका मतलब कि ए डी पहले बेस लिखे थे, उसके बाद फिर क्या लिखे थे? डी बी, यानी उसके बाद फिर लिखे थे हम दूसरा परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे भी पहले बेस लिखे हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर लिखे हैं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6। ये कहा था कि दोनों आपस में सिमिलर होता है। उसके बाद अब हम, क्योंकि सिमिलर है तो रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब ए डी का जो रेशियो है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके? ए बी डिवाइडेड बाई, इधर से लिए ए डी, इधर से लिए ए बी, यानी कि लिए परपेंडिकुलर, इधर से लिए ए डी यानी कि बेस और लिए दूसरा ए बी यानी कि हाइपोटेनस। तो इधर से भी हम बेस लेंगे और हाइपोटेनस, बेस कौन सा है मेरा? ए बी है, हाइपोटेनस कौन सा है इसके लिए? ए सी। यहाँ तक सही है।
यानी कि अब इसको आगे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू आएगा ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आ गया वन। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल भी तो बड़ा वाला ट्रायंगल से सिमिलर है। अब वो वाला ट्रायंगल में देखो तो वो वाला ट्रायंगल में हम नाम लिखते हैं उसका डी सी बी। हम उसका नाम क्या लिखे हैं, हम शुरू किए हैं इधर से डी सी बी, तो इसमें भी हम लोग शुरू करते हैं, वहाँ बेस लिए हैं तो इसमें शुरू करते हैं ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल से, तो ये हम ऑलरेडी बेस ले चुके हैं, ये डी सी बेस लिए हैं, उसके बाद फिर बी सी बी पे गए, यानी कि बेस लेने के बाद फिर हाइपोटेनस पे गए हैं। ये वाला ट्रायंगल का देखो, ये वाला ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो हम जो ट्रायंगल लिखें उसमें पहले बेस लिखें उसके बाद हाइपोटेनस लिखें, कैसे देखो यहाँ डी सी उसके बाद फिर सी बी। सिमिलरली अब हमको ये बड़ा ट्रायंगल में पहले बेस लिखना होगा उसके बाद फिर हाइपोटेनस लिखना होगा, तो बेस किसको माने थे ए बी को और उसके बाद हाइपोटेनस, तो इसका मतलब इसमें लिखेंगे बी ए सी। हाँ सही है। अब जो है तुम्हारा फिर से हमको साइड का रेशियो निकालना है, तो डी सी डिवाइडेड बाई अब हमको साइड का रेशियो निकालना है तो डी सी डिवाइडेड बाई बी सी, यानी कि एक बार हम लिए हैं बेस, दूसरा बार लिए हैं हाइपोटेनस, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक बार लेंगे बेस और दूसरे बार लेंगे हाइपोटेनस। तो बेस लेते हैं और हाइपोटेनस लेते हैं, हाइपोटेनस क्या है बड़ा ट्रायंगल का ए सी, यानी कि अब क्या आया, अच्छा हमको बेस लेना था ना बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आया डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। एक बार और समझा देते हैं, पहले देख लो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया टू हो गया। अब दोनों को अगर जोड़ा जाए, यानी कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को जोड़ा जाए, तो ध्यान दो यहाँ पे ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये वाला टर्म हमको मिल चुका है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया, यानी कि ये पूरा को अकरम बकरम करने के बाद क्या मिलेगा हमको ए सी स्क्वायर ही मिलने वाला है। हालांकि अभी डायरेक्ट नहीं तुक्का मारेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी ए सी है यहाँ भी ए सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा ए डी और यहाँ से क्या बचेगा डी सी। अब बताओ ए डी प्लस डी सी किसके बराबर, ए सी के बराबर ही होगा ना फाइनली, यानी कि फाइनली हमको आ गया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली हमको आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हालांकि इसके बावजूद बहुत लोग नहीं समझा होगा, ध्यान देना, अब थोड़ा सा लिख लें, लिखने का काम बाद में, अब ध्यान दो क्या किए किए ये है कि सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाला ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं, सिमिलर किए तो मेरा जो रेशियो आया वो इसका और इसका रेशियो किसके बराबर आया, इसका और ये पूरे वाले के, यानी कि इसका बेस और इसका हाइपोटेनस का रेशियो इसके बेस और इसके हाइपोटेनस के बराबर आया। यहाँ देखो तो इससे फिर एक क्वेश्चन बना जिसमें ए बी स्क्वायर हम लोग को मिल गया। इसमें ज़्यादा नहीं समझना है, बस इसको इधर उधर किए हैं, ए डी में ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी को इधर ले आए, मतलब कि ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन नंबर वन था। फिर दूसरे में इस वाले ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल से कंग्रुएंट किए, सिमिलरली इसमें भी बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो, बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो निकाले, तो इसमें जब निकाले तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना वो क्या बना डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ से बना, यानी कि ये इक्वेशन जो बना था इसका यहाँ है, इस वाले का जो है वो यहाँ है। अब हम दोनों को जोड़े हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को जोड़े हैं, तो मेरा क्या आया है ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू, मतलब जोड़ने के बाद ये एल एच एस में जुड़ाएगा, तो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू आर एच एस आर एच एस में जुड़ाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब यहाँ पे ए सी कॉमन लिए तो ए डी प्लस डी सी आया और फाइनली जब सॉल्व किए तो ए सी स्क्वायर आ गया, यानी कुल मिला के बात यह है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम था जिसमें हम थ्योरम नंबर 6 का यूज करके प्रूफ किए थ्योरम नंबर 9 को, इसके 8 को सॉरी। अब जो थ्योरम नंबर 9 है वो जस्ट इसका उल्टा है और उसका प्रूफ भी नहीं पूछता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट ये है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर ये 90 डिग्री है और इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसा कोई बनाया गया है, या फिर अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका उल्टा का मतलब क्या है, इसका उल्टा का मतलब ये दिया हुआ होगा कि इसका स्क्वायर जोड़ करके इसके स्क्वायर के बराबर है, तो कन्फर्म बात ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, तब 90 उल्टा, इसमें 90 पहले दे रखा था और प्रूफ करने के लिए बोला कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर प्रूफ कीजिए, उस वाले में क्या होगा थ्योरम नंबर 9 में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहेगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ करके इसके स्क्वायर के बराबर आता है, तो बताइए ये 90 डिग्री है या नहीं, होगा ही,
प्रूफ का ज्यादा जरूरत नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरम तुम्हारा हो गया सारा समाप्त, ठीक है, कल मिलते हैं।